तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज मेरे पास है जियो फोन 2 यानी कि जियो भारत D1 4G। अब वैसे तो ये फीचर फ़ोन है, मतलब बटन वाला फ़ोन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट फीचर दिए हुए हैं। और इसकी MRP तो 2625.99 है, लेकिन अगर आप मतलब सेल में लेंगे तो 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। अब इसमें बहुत सारी खासियत है। पहली बात, सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि आप जो भी पैक, मतलब जियो के दो तरह के पैक होते हैं, एक तो नॉर्मल स्मार्टफोन के लिए और एक जियो फ़ोन के लिए। तो जो जियो फ़ोन वाला पैक होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, तो आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और वो काफ़ी सस्ता आता है। तो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे ना कि इसमें क्या क्या मिलता है, हम कैसे करता है, कितना परफॉर्मेंस है, क्या है, कौन सा फीचर इसमें स्मार्ट है, जो जियो वाले इसको स्मार्टफोन बोलते हैं, तो वो भी देखेंगे इसमें। सबसे पहली बात, अगर बॉक्स की करें तो बॉक्स काफ़ी सिंपल है और यहाँ पे लिखा है विथ लव फ्रॉम जियो, लाइसेंस बाय क्वालकॉम। तो काफी सिंपल सा फोन होने वाला है ये, और इसको अनबॉक्स करते हैं पहले। तो यहाँ पे बॉक्स है और एक सिंपल सा चार्जर है, 10 वाट का होगा मेरे ख्याल से। तो ये 2.5 वाट का एक चार्जर है, पता नहीं क्यों 2.5 वाट का दिया है, कम से कम 5 वाट का तो देना ही चाहिए, और 2.5 वाट का है तो मतलब इसके बैटरी के हिसाब से। अब इसमें बैटरी तो काफ़ी अच्छी दी हुई है, बैटरी इसमें 2000 mAh की है, लेकिन ये चार्जर पता नहीं क्यों 2.5 वाट का दिया है इन लोगों ने, अब वो जियो वाले ही समझेंगे। तो ये हो गया चार्जर इसका, ये हो गया यूज़र गाइड। अब यूज़र गाइड है इसमें जो है, मतलब मिला जुला के वारंटी कार्ड है एक तरह से ये। और हाँ, इसमें एक साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है, मतलब कुछ ख़राब होता है ना, बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग दूसरा फ़ोन लेके देंगे आपको, तो एक साल की गारंटी आपको इसमें मिल जाती है, वारंटी नहीं गारंटी है, और ये वारंटी इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद आती है बैटरी, तो बैटरी इसमें अलग से आ रही है क्योंकि आपको बैटरी लगाना पड़ेगा, और 2000 mAh की बैटरी है ये, मेड इन चाइना ही है वैसे, मेड इन इंडिया है भाई, यहाँ पे मेड इन इंडिया शायद दिख रहा हो इधर, मेड इन इंडिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है बैटरी इंडिया में बनने लगी। फ़ोन कुछ इस तरह से है जियो भारत, और वही जियो फ़ोन ही है, मतलब रीब्रांड करके आ रहा है जियो भारत करके, थोड़ा देशभक्ति लाने की कोशिश की जा रही है फ़ोन में। बाकी डब्बा खाली हो चुका है और ये एक ये सिलिका जेल दिया हुआ किसी काम का नहीं। तो फ़ोन बहुत हल्का है अभी फ़िलहाल, तो इसमें बैटरी लगाते हैं फिर देखते हैं। फ़ोन का फीचर, बटन काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बटन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप 1 दबाएंगे तो 2 दब सकता है, बटन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और इसमें कोई फंक्शन की टाइप कुछ नहीं दिया हुआ, शॉर्टकट की टाइप कुछ नहीं दिया हुआ, पिछले फ़ोन में था, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये 0 पे टॉर्च है और पीछे एक कैमरा है 0.3 megapixel का कैमरा है ये। स्पीकर ग्रिल काफ़ी हैवी है, इसको वो उजाड़ते हैं फिर देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, स्पीकर ग्रिल काफ़ी हैवी है इसका, कैमरा 0.3 megapixel का भी इस फ़ोन के हिसाब से सही है, 0.3 megapixel में जज मत करना। वैसे तो इसमें वीडियो कॉल का फीचर दिया हुआ है, बट फ्रंट कैमरा इसमें नहीं है, फ्रंट कैमरा देना चाहिए था इसको, फ्रंट कैमरा अगर होता तो काफ़ी अच्छी बात होती, फ्रंट कैमरा इसमें देना चाहिए था, फ्रंट कैमरा नहीं है इसमें, ओपन करने के लिए इधर दिया हुआ है यहाँ से। और हाँ, ये कैरियर लॉक होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जियो का ही सिम चलेगा और दूसरा कोई सिम इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि ये कैरियर लॉक होता है भाई, 1500 में दे रहा है तो मतलब इतना तो करेगा ही, कहीं कहीं तो 1000 में भी मिल जा रहा है आपको, कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट दे दे रहे हैं सब, तो मतलब वो ऑफर के ऊपर है वैसे, 1500, 1000, 2000 जितने में मिल जाए। तो बैटरी तो काफ़ी अच्छी तरीके से पैक किया हुआ है इन लोगों ने। बाकी इसमें फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे एक चिप लगाने के लिए दिया हुआ है, SD कार्ड 128 GB तक का सपोर्ट करेगा, और यहाँ पे माइक्रो सिम जो कि जियो का ही सिर्फ काम करेगा, दूसरा कोई सिम डालेंगे तो नहीं काम करेगा। उसके बाद FM रेडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, टॉर्च, यहाँ पे टॉर्च भी दिया हुआ है, तो ये सारे फंक्शन तो मिल जाते हैं इसमें। उसके बाद पता नहीं क्यों बॉक्स पर लिखा था, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें वाइब्रेशन सपोर्ट दिया हुआ है, मतलब इसमें वाइब्रेटर है, तो भाई उसको तो देना ही चाहिए था, मतलब वाइब्रेशन तो सब मोस्ट फ़ोन में होता है, जियो प्ले, जियो TV, जियो सावन, सारे मतलब जियो वाले जो है ना, जियो वाले जो ऐप हैं वो सारे मतलब इसमें चलेंगे। इसमें देखते हैं चार्ज है कि नहीं, मैं इसको बूट करता हूँ, चार्ज तो होना चाहिए वैसे, जैसे बूट हो गया गाइस, जियो भारत लिख के आ गया,
और यहाँ पे फ़ोन खुल चुका है पूरी तरीके से। अब इसमें सिम मैंने नहीं डाला हुआ है क्योंकि मैंने जो फ़ोन लिया हुआ रिव्यू के लिए लिया हुआ, मैंने ख़रीदा नहीं है ये फ़ोन। लेकिन अगर आप लेंगे तो आपको ये सिम के साथ मिलेगा, बिना सिम के वो आपको फ़ोन नहीं देगा। या फिर आप अपना फोन, अपना खुद का सिम डाल सकते हैं इसमें, जो आपका एग्जिस्टिंग सिम है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो मतलब उसके साथ ही आता है। तो फिर फ़ोन कुछ इस तरीके से है, इसमें आपको कॉल लॉक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट मैसेज और कैमरा दिया हुआ है। कैमरे की क्वालिटी देखते हैं, अब 0.3 मेगापिक्सल के हिसाब से है, तो 0.3 मेगापिक्सल के हिसाब से ही है भाई ये। ऐसा कोई हाई फाई कैमरा नहीं है, मतलब मैं ये डॉक्यूमेंट की फ़ोटो भी खींचता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही लेवल का आ रहा है भाई। डॉक्यूमेंट भी कुछ फ़ोटो वोटो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बहुत हाई फाई कैमरा है, नॉर्मल कैमरा ही है 0.3 मेगापिक्सल का। उसके बाद यहाँ पे जियो सिनेमा है, जियो पे है, अच्छा यूपीआई पे इससे सपोर्ट करता है, शायद उसी लिए कैमरा दिया हुआ कि आप यूपीआई पे इससे कर सकते हैं। उसके बाद और कुछ तो इसमें है नहीं, मल्टीमीडिया है। उसके बाद अच्छा इसमें जियो ऐप्स करके जो एक आता नहीं है वो नहीं दिया हुआ, मतलब इसमें जो ऐप हैं आप उन्हीं का यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऐप डालने का इसमें नहीं दिया हुआ। तो ये है भाई जियो फोन 2, जो कि जियो भारत B1 के नाम से आ गया है। नया फोन है बट कुछ नया इसमें है नहीं भाई, पुराना जियो फोन ही है, बस रीब्रांड करके लॉन्च किया इन लोगों ने। और जियो प्राइम जो आया हुआ है नया वाला, उसको मैं अगली बार अनबॉक्स करूंगा, तो उसके लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वो खरीदने वाले हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मतलब वो क्यों खरीद रहे हो, ताकि जो लोग लेने वाले हैं, जो लोग सोच रहे हैं, उनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। बाकी ये था जियो फोन, ये भी मतलब अगर आप किसी को अपने घर में देना चाहते हो तो बहुत अच्छा फोन है, फीचर फोन है, और सबसे बड़ी बात है इसका रिचार्ज बहुत सस्ता है। और यूट्यूब, उसके बाद इसमें यूट्यूब चल जाएगा, और मतलब तमाम मीडिया वाले फीचर इसमें चल जाएंगे। तो यही था ये फोन, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।